ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अनिल देशमुख जी पर जो प्रेडिक्शन दी गई थी, होली के आसपास इनका त्याग पत्र होगा और ऐसा ही हुआ। और दूसरे प्रेडिक्शन में यह भी बताया गया था कि हाई कोर्ट इनकी याचिका को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसका रिस्पेक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर करेंगे, ये कन्फर्म है। और आज के न्यूज़ में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, एक तरफ संजय राउत शिवसेना के बोलते हैं कि वैक्सीन पर केंद्र सरकार पॉजिटिव नहीं है, वहीं पर शरद पवार जी का देखिए स्टेटमेंट, दोनों गठजोड़ वाली पार्टी, उनका स्टेटमेंट है कि केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये डिस्प्यूट दिखाता है इनके बीच में। और ये डिस्प्यूट बस अब थोड़े दिन के बाद आप देखिएगा 29 अप्रैल में, इसलिए बार बार अपने दर्शकों को ये डेट याद कराता हूँ, 29 अप्रैल के आसपास उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। 29 अप्रैल के आसपास ये सरकार गिरेगी, ये प्रिडिक्शन मैं पूरा कैलकुलेट करके, पहली प्रिडिक्शन भले ही गलत गई थी, 6 महीने के अंदर सरकार नहीं गिरी, कंडीशन बनी थी, लेकिन अब जो कंडीशन बनी है इसमें कुछ ही दिनों की बात है, आप सभी लोगों के नज़र में भी आएगा कि सरकार जाने वाली है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी मिलके सरकार बनाएगी या री इलेक्शन होगा उसके बाद सरकार बनेगी। तो देखिए, री इलेक्शन होने की संभावना मैं ज़्यादा देख पा रहा हूँ, री इलेक्शन होगा और री इलेक्शन होने के बाद चीज़ें सामने निकल कर आएंगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का जो समय चल रहा है काफ़ी अच्छा अब स्टार्ट हो रहा है, 27 अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी का भी टाइम अच्छा हो रहा है और देवेंद्र फडणवीस जी का 18 अप्रैल से स्टार्ट अच्छा हो रहा है टाइम। तो अगर मैं दोनों को मिलाकर देखता हूँ तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी पुनः एक बार, यानी एनडीए की जो सरकार है वो वापस वहाँ पर आएगी और ये निश्चित रूप से आने वाली है। और शिवसेना का वो बुरा हाल होगा कि इन लोग सोचते रह जाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों, इतने सम्मानजनक पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं उनके मंत्री इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा पुलिस पैसे वसूल रहे हैं, ये आरोप लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके का स्टेटमेंट आ जाया है सचिन वाजे जी का, उन्होंने भी ये चीज़ बोल दिया है कि 2 करोड़ की फिरौती मांगा गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्प्यूट अब सामने निकल के आ रहे हैं। और मैंने बोला था जब ये राज सामने आएगा तो इस समय 1-2 लोग नहीं, कई लोगों पर एक के बाद एक आप देखिएगा तो एक के बाद एक रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ये भी मैं कन्फर्म हूँ। इसको इनकी सरकार गिरने वाली है और 29 अप्रैल के मध्य तक इनकी सरकार जो है गिर सकती है। थोड़ा अगर मैं डेट को एक्सटेंड करूँ तो मैं 5-8 मई तक का डेट भी लेके चल सकता हूँ, क्योंकि प्रेडिक्शन में कुछ थोड़ा बहुत डेट का आगे पीछे हो सकता है, ये आप भी मानते होंगे, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से बताया गया था प्रेडिक्शन, आज की प्रेडिक्शन नहीं है, ये अक्टूबर में ही प्रेडिक्शन किया गया था जब रीकैलकुलेशन हुआ था और सभी लोगों ने काफ़ी कमेंट लिखे थे कि सर आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, तो उस समय रीकैलकुलेट करके जब कैलकुलेशन बनाई गई थी उसमें यही बातें सामने आई थी और यही चीज़ें हो रही हैं। और इस तरीके की जो घटनाएँ हैं यहाँ पर, मैं एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि 29 अप्रैल के आसपास ही इनकी सरकार गिरेगी, ये पहली प्रेडिक्शन है। दूसरा, महाराष्ट्र में कभी भी संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, ये दूसरी प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूं। देश में लॉकडाउन पूरे तरीके से तो नहीं लगेगा, ये मैं श्योर हूँ अभी, लेकिन महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये कब लगेगा, ये सभी चीज़ें बैक टू बैक एक साथ होगा। और कई लोग पूछ भी रहे हैं सुशांत जी को न्याय मिलेगा कि नहीं,
ब्रह्मानंद जी हैं जिन्होंने पोस्ट किया है लाइव चैट पे। तो ब्रह्मानंद जी, मैं खुद चाहता हूँ कि सुशांत सिंह जी को न्याय मिले। उनकी कुंडली में मैं अभी भी श्योर हूँ कि उनकी कुंडली में हत्या के जो आत्महत्या वाली जो बात की गई थी कि उन्होंने आत्महत्या की थी, इसके योग ही नहीं थे इनके कुंडली में। और ये सरकार मिलके, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन जो मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ राजनीतिक दबाव के कारण केस को दबा दिया गया। जल्दी इंसाफ मिले इसकी मैं प्रार्थना करता हूँ। इसके बारे में अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, जब करूँगा तो यूट्यूब के माध्यम से अपडेट ज़रूर कर दूँगा। दूसरी, जाते जाते मैं बता दूँ कि हम लोगों ने अपने टीम के लिए, मतलब आप सभी लोगों के लिए, एक सेंट्रलाइज नंबर 9818318303 के अलावा कुछ नंबर रिलीज़ कर दिए हैं जिस पर आप अपने कंसल्टेशन के संबंध में, कस्टमाइज राशिफल के संबंध में, जिस ज्योतिष विज्ञान के संबंध में जो भी आपको इंक्वायरी करना हो, और ये नंबर पूरी सीरीज़ में हम लोग ने लिया हुआ है 6390902640 से स्टार्ट है, 4142 4345 इस तरीके से 50 तक नंबर है, जिससे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा का मौका दे सकें। ये हम लोग का कमिटमेंट है। और जिनके राशिफल नहीं जा रहे हैं या किसी कारण से उन्हें कोई शिकायत है, ज़रूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसका मैसेज कर सकते हैं। अभी जाते जाते दो बातें बता देता हूँ कि जो प्रेडिक्शन दी गई है उसमें बंगाल में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बंगाल में ममता दीदी जाने वाली हैं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ही वापस आएंगे, उनके जो अलायंस है वही वापस आएंगे। दूसरा, असम में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। तीसरा, पौंडीचेरी में भी बनेगी, बट तमिलनाडु में डीएमके प्लस कांग्रेस का अलायंस जीतेगा, और केरला में भी जो प्रेडिक्शन बताया था वही रहेगा। तो तीन जगह पर केवल एनडीए की सरकार आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, एक जगह यूपी और एक जगह एलडीएफ आएगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा, ओम नमः शिवाय। जाते जाते आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसका मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा।